हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेल्टा बॉन्ड को डिस्कस किया था, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड के डिस्कशन के बाद आज जो हम ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटर को पढ़ा था। अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो चैनल में आपको हम प्रीवियस लेक्चर की लिंक दे देंगे, आप वहाँ से उसको क्या करो, जाके विजिट करके देख लो, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। आपके थोड़े से मोटिवेशन से हम ऐसे समय समय पे वीडियो लेकर आते रहेंगे, ठीक है। और एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, चाहे बोर्ड का हो, चाहे JEE हो या फिर नीट हो, कोई भी एक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाले हम। सिंगल ऑन आप मान के चलो, इवन एडवांस का भी एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड है, आप इस बात को समझ रहे हो, क्योंकि हम JEE मेंस के साथ साथ एडवांस को भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम के बाद पढ़ने वाला नहीं होता है, क्योंकि जनवरी में एग्जाम होता है। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे कि मतलब वहाँ पे जाओगे ये करने की, मतलब आप चलो आप थ्योरी पढ़ लो, नहीं। थोड़ा सा ये चीज़ें स्टैंडर्ड है, मानता हूँ, पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए, अगला ऑर्बिटल आपका dx² - y² की बात करें, चलिए dx² - y² की बात करते हैं। आइए, दैट मीन्स अगर मैं बोलूं, चलो पहले बना लेता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं जो करना होगा ना। ये ठीक है, ये आपका x एक्सिस है और ये y है। इस ऑर्बिटल को बोलते हैं dx² - y², क्या बोलते हैं, dx² - y². चलिए एक बात करते हैं हम, अगर ये ऑर्बिटल आपका dx² - y² है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसका INA है x एक्सिस, अगर मैं INA x ले लूं तो क्या होगा, दो डी ऑर्बिटल यहां पर आएंगे, ऐसे ओवरलैप करेंगे, एक यहां से और दूसरा एक इस पर, मतलब ऐसी ओवरलैपिंग होगी, अलोंग द एक्सिस होगी। मतलब अगर मैं dx² - y² और दूसरा भी dx² - y² ले लूं तो क्या बनेगा आपका, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर मैंने दो dx² - y² को ले लिया तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छा, अगर इसके साथ मैं ये कहूं कि देखो, अगर INA आपका वाई एक्सिस हो जाए, अब आप बताइए, अगर आपका INA वाई एक्सिस हो गया तो वाई भी आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं इसको एक्स कर दूं, क्योंकि ये तो मानी हुई एक्सिस है, मैं चाहे इसको एक्स मानू, मैं चाहे इसको वाई मानू, मेरी मर्जी है। तो ये वाई हो जाएगा और ये आपका एक्स हो जाएगा। कराओ ओवरलैपिंग वाई के, लो हो गई ओवरलैपिंग, कौन सा बॉन्ड हुआ, सिग्मा बॉन्ड। तो फिर से कौन बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो अगर दो dx² - y² को INA अगर हम x ले रहे हैं तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अगर हम INA y ले रहे हैं तो भी हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर हमने यही INA कर दिया z एक्सिस, अब मुसीबत आ गई, कहते ना वो उनका गाना है, आफत गले पड़ी है। तो ऐसा ही अभी आफत गले पड़ी है, इसे निभा रहा हूं। तो ऐसा मत समझना आप लोग ना, ये आफत नहीं है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी समझ में आता है। INA z एक्सिस है, देखिए ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये होगी y एक्सिस। भाई आप INA काम करो ना, इसको ऐसे बने रहने दो, z मान लो अंदर है, ओवरलैपिंग ऐसे कैसे कराओगे यार, z अंदर चली गई, मतलब अब देखो ऐसा हो गया, कुछ कॉन्सेप्ट जो हो गया आपका, फिर गया, फिर कैसे गया, ये मान लिया हमने INA, सॉरी ये हमने मान लिया आपका INA है z एक्सिस, ये आपका ऑर्बिटल यहां होगा, एक आपका यहां पर होगा, एक आपका यहां पर होगा और एक आपका यहां पर होगा। होगा क्या, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, ये कुछ ऐसे हैं, ऐसे और कुछ पीछे हैं, ऐसे हैं, समझ लो, एक अगर ऐसे है, एक ऐसे है, दूसरा ऐसे है पीछे, पीछे से ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये निगेटिव निगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा और पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करेगा और ये निगेटिव इस निगेटिव के साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि ये पीछे से ओवरलैप कर रहा है और ये ऐसे कर रहा है और ये दोनों पीछे से ऐसे कर रहे हैं, इसी बॉन्ड को तो हम डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं, इसी बॉन्ड को तो हम डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं, कि ये दोनों ऐसे आ रहे हैं और पीछे वाले जो दोनों लोब्स हैं
वो ऐसे इंटरेक्ट करें, ऐसे ऐसे इंटरेक्ट करें, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब देखो वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं और वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, समझ लो ऐसे और ऐसे, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं। तो जब हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में आई एन ए जेड ले लेंगे तो हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड बनेगा। आइए ये तो था हमारा एक्सियल से, अगर हम नॉन एक्सियल की बात करें, ये तो हमने किसकी बात किया, एक्सियल की। इफ यू टॉक अबाउट नॉन एक्सियल से, नॉन एक्सियल से दैट मीन्स, नॉन एक्सियल दैट मीन्स डी, कौन सा डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हो। दैट मीन्स नॉन एक्सियल का मतलब डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। आइए बात कर लेते हैं, देखिए अच्छा नॉन एक्सियल है मतलब आप अलोंग दी ओवरलैपिंग नहीं होने वाली, आप कोई भी देखो आप एक्स वाई बनाओगे, देखो ऐसे बनाओगे, मैं एक बना दे रहा हूं बाकी आप बना लेना, मैंने एक्स बोला ये मैंने वाई बोला, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, समझ रहे हो, ध्यान से समझना, ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है वाई है, देखिए दोनों ऑर्बिटल ये एक्स है और ये क्या है वाई है, समझने का प्रयास कीजिए, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, अलोंग द ओवरलैपिंग हो रही है, कैसे हो रही है, कहां से कराओगे लॉन्ग बैक्स, ले आओ किसी को भी ले आओ, किसी को भी लाओ, अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग आई एन ए पे आप नहीं करा सकते हो, दैट मीन्स देयर इज नो सिग्मा वन फॉर्म। देखिएगा दे कैन नॉट फॉर्म सिग्मा वन, दे कैन नॉट फॉर्म formed sigma bonds, कौन सा बनेगा, only pi and delta bond will be formed। important बात है, ये बात याद रखना, जब भी आप dxy dyz और dzx लेके आओगे आपका सिग्मा बॉन्ड नहीं बनने वाला है, बनने वाला है तो पाई या फिर डेल्टा बॉन्ड। आइए क्यों, क्योंकि होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग, ऐसे ही एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन के थ्रू हम इस सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और आप बताना उसका आंसर क्या होगा। आइए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, मैं एक ऑर्बिटल ले रहा हूं, मैंने इसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं ना, नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग को, ठीक है, आप सोचना ये है ऑर्बिटल, ठीक, और ये है आपका आईएनडी, दैट मींस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा ये बताना है, बताइए, अगर हमने और लिया ऑर्बिटल क्या लिया डी एक्स वाई, ऑर्बिटल क्या लिया डी एक्स वाई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है वाई या फिर एक्स है, हमने ऑर्बिटल लिया डी एक्स वाई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है एक्स एंड वाई, कराइए ओवरलैपिंग, कराइए कौन सा बॉन्ड बने, कराइए, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, एक ऑर्बिटल वो है, दूसरा ऑर्बिटल अगर आपको कोई और नहीं दिया तो यही लेना है, ये हो गया आपका ये और ये हो गया आपका ये, देखिए जब ये ओवरलैप करेगा देखो कैसे करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, होगी, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है बताइए, पाई बॉन्ड, कौन सा बनेगा पाई बॉन्ड। दूसरा है आपका, अगर हमने ले लिया डी एक्स वाई, क्या ले लिया डी एक्स वाई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जे, देखिए बात समझिएगा, अगर हमने ले लिया डी एक्स वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जे, तो देखो कुछ ऐसा होगा, अब इसमें जो होगा ना देखो आप यहीं पे देख लो ऐसे, मान लेता हूं मैं किसी को भी कोई मान लो, इसको आप जेड मान लो, इंटरन्यूक्लियर से जेड दिया है ना, तो हम जेड तो हमेशा इसी को मानेंगे, तो जो एक्स वाई आपका बनेगा कहां बनेगा, एक आपका यहां पर बनेगा, दूसरा है आपका यहां पर बनेगा, ये आपका यहां पर बनेगा और ये भी आपका कहां पे यहां पे बनेगा, बन गया, ले आइए ओवरलैप कराइए, जेड पे तो कोई ओवरलैप करने से रहा, और ये आपका क्या है, एक आपका x है दूसरा आपका पीछे से y है, मतलब एक x पे ओवरलैपिंग हो रही है ऐसे ऐसे हो रही है, दूसरी ऐसे ऐसे हो रही है, मतलब ये पॉजिटिव
इस पॉजिटिव से मिल रहा है अगर, ये वाला पॉजिटिव सॉरी ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव से इंटरेक्ट हो रहा है, और ये निगेटिव इस निगेटिव से, ये निगेटिव इस निगेटिव से इंटरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि आप इसको निगेटिव ले हो तो इसको पॉजिटिव ले लोगे, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि एक बार आपने ये लोब्स कैसे ले लिए, निगेटिव ले लिए, मैंने पहले बोला ये है, ये लैब में देखे गए फिनोमिना, आप नहीं देख रहे हो, आप एक कॉन्सेप्ट को लो चाहे जो पकड़ो। तो जब ये निगेटिव निगेटिव ओवरलैप करेंगे, ये करेंगे, तो इसके थ्रू कौन सा बॉन्ड बनता है? डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? डेल्टा बॉन्ड। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो हमारा ये है, अगर हम ले लें डी वाई जेड। देखो अभी आप पकड़ लोगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मैंने ले लिया डी वाई जेड, अगर आपकी एक्सिस है वाई या फिर जेड, कौन सा बॉन्ड? हाँ हाँ हाँ, जो आप सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो वही बनेगा भाई। अगर जो यहां पर है इसमें से कोई भी आई एन ए आपका लिया गया डी वाई जेड है, अगर कोई भी आई एन ए है वाई या जेड है तो ये बनेगा पाई बॉन्ड। अगर हमने ले लिया डी वाई जेड और हमारा आई एन ए हो गया एक्स, तो बनेगा डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बनेगा? डेल्टा बॉन्ड। अगर हमने ले लिया डी जेड एक्स, आई एन ए है जेड ऑब्लिक एक्स कोई भी है, तो बनेगा पाई बॉन्ड। और अगर हमने ले लिया डी जेड एक्स के साथ साथ आई एन ए हमारा क्या हो गया वाई, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बोलो? डेल्टा। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। तो ये इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, इस तरह से रीजन होता है, आप इसको ध्यान रखना। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और एडवांस में तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, पर मेंस में भी कई बार पूछा है और नीट में भी पूछा है, पर हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन नहीं हो पाता इसका कोई मतलब नहीं है कि नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, हमको सिर्फ इतना देख के चलना है कि ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। मेन फोकस है हमें अपने कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखिए, आपका सारा खेम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट का खेल है। अगर आप ये नहीं खेल पाए ना तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये आपको खेलना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? खेलना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। तो इस तरह से ये आपकी नॉर्मल ओवरलैपिंग खत्म हुई, एसपी खत्म हुई, पीपी खत्म हुई, डी की खत्म हुई, अगर डीडी की खत्म हुई। अगर हम पीडी ओवरलैपिंग की बात करें, ओवरलैपिंग ऑफ पी पीडी, हम किसकी बात कर रहे हैं? ओवरलैपिंग ऑफ पी एंड डी की। आइए सबसे पहले देखते हैं। देखो एक बात याद रखो कि जब आप ओवरलैपिंग पी और डी की करते हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा आप कौन सा पी ऑर्बिटल ले रहे हो, कैसे ओवरलैपिंग करा रहे हो। तो सबसे पहले हम इसमें अपना डी जेड स्क्वायर लेते हैं, हम अपना लेते हैं क्या, डी जेड स्क्वायर, ठीक है, ले लिया हमने डी जेड स्क्वायर। अगर हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है और हमने साथ में साथ क्या ले लिया, पी एक्स ले लिया और ये हमारा क्या है, डी जेड स्क्वायर। अच्छा ये ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, याद रखिएगा। देखिए अगर डी जेड स्क्वायर है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, देखो एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, 1/3 है ना, एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग। तो जगह हमारा आई एन ए है एक्स, आई एन ए क्या है एक्स, आई एन ए क्या है एक्स। अगर हमारा आई एन ए है एक्स तो जो बॉन्डिंग होगी px ऑर्बिटल होगा तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, px होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर py या pz होंगे, दैट मींस ऐसे अगर आएंगे, ऐसे या ऐसे आएंगे तो कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी dz स्क्वायर के साथ। क्यों? क्योंकि ये हमेशा अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग करता है और हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, याद रखना, साइड वाइज ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं करता है ये। तो क्या होगा, py pz मतलब ये आपका क्या बनाएगा, हाँ बिल्कुल समझ रहे हो आप, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। py pz में कौन सी ओवरलैपिंग होगी, जीरो ओवरलैपिंग। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं पिछले लेक्चर से, प्रीवियस लेक्चर से आपने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, सब कुछ समझ लिया है। अब यहां पे जो हम डिस्कस करें ये इंपॉर्टेंट है। चलिए
चलिए अगर हमने ले लिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आइए हमने ले लिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आइए बात करते हैं अगर हमने ले लिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो क्या होगा, आइए सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके काम करिए। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे यार जब तक है ना आपको बना देंगे, बस आप विश्वास रखो। ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए किसको ले लें, हम पी एक्स को ले लें, चल ले लो आपकी मर्जी। हाँ अभी तो मेरी मर्जी ही चलेगी, आपकी तो कुछ नहीं चलेगी। ये क्या है पी एक्स, क्या है ये पी एक्स है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये पी एक्स है। आइए बात कर लेते हैं, ठीक है दूसरा एक और ऑर्बिटल आपका साथ में ही लगा देते हैं पी वाई, आप समझिए। आई एन ए हम कौन सी ले रहे हैं, एक मिनट, आई एन ए हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस। चलिए आई एन ए हो गया एक्स, ये आपका आई एन ए है एक्स, ये आपका पी वाई है, ये आपका पी एक्स है, और ये आपको तो पता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बताइए जब ये ओवरलैप करेगा आई एन ए पर अगर एक्स है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद आप चाहे पी वाई ले लो और चाहे आप पी जेड ले लो, कोई भी ओवरलैपिंग होने से रही तो क्या होगा, अगर आपका आई एन ए एक्स है और आपने लिया है पी एक्स ऑर्बिटल तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अगर आपने ले लिया पी वाई या फिर पी जेड तो कैसी ओवरलैपिंग हो जाएगी, जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग, ये तो थे जब हमने एक्सियल की बात किया, मतलब डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। अच्छा अगर अब हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें नॉन एक्सियल ऑर्बिटल की, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल आपको अच्छे से पता होता है कौन होते हैं, देखिए नॉन एक्सियल में कौन कौन होता है, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल की। ये जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होता है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डी एक्स वाई। देखिए अब ये अलोंग द एक्सिस वाले पोर्शंस हैं जिसमें आपको बहुत ध्यान से करना होगा। देखिए आई एन ए अगर हमने ले लिया एक्स एक्सिस, आई एन ए ले लिया एक्स एक्सिस, आई बात करते हैं हमने आई एन ए क्या ले लिया एक्स एक्सिस, डी एक्स वाई बनाइए, ये बना आपका डी एक्स वाई, ठीक है। अगर आप पी एक्स ले रहे हो आई एन एक्स एक्सिस है ना, ले लो पी एक्स, ओवरलैपिंग होगी, बोलो होगी, बोल दो, नहीं करा दो आपकी मर्जी, अब करा दो, नहीं होगी भाई, कब होगी, आखिर कौन सा रीजन है जब ओवरलैपिंग होगी, जब आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ऐसे आओगे। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कॉलम बनाता हूं, आप उसके थ्रू देखना, यह है आपका डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, और इसका आई मतलब हमने लिया पी एक्स ऑर्बिटल, हाँ पी एक्स ऑर्बिटल, आई एन ए क्या है, आई एन ए है एक्स एक्सिस, समझिएगा डी एक्स वाई है, पी एक्स ऑर्बिटल है, आई एन ए लिया एक्स एक्सिस, कौन सी ओवरलैपिंग होगी, देखो इन्हीं को देख लो, ए और बी को देख लो, कोई ओवरलैपिंग होगी, मतलब जीरो ओवर, ठीक है। अच्छा अगर हमने आई एन ए एक्स एक्सिस लिया है, पी वाई ऑर्बिटल ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा जरा ये समझना, दैट मीन डी एक्स वाई और आपका ये है पी वाई, डी एक्स वाई पी वाई, देखो ये पी वाई जब इंटरेक्ट करेगा, देखो ऐसे इंटरेक्ट करेगा, देख लो यहां पे देख लो ऐसे, तो ये इसके साथ और ये वाला लोब इसके साथ, ये पीछे वाला लोब, तो कैसा बॉन्ड होगा, ये देखो इसकी एक्सिस ये है और इसकी एक्सिस ये है, मतलब कुछ ऐसे आ रहे, ऐसे और ऐसे आ रहे, पैरेलल है ऐसे, और ये एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है, इस बात को याद रखना आप, क्योंकि पीछे बना हुआ है वो, जब ये ऐसे ओवरलैप करेगा
कौन सा बॉन्ड बनेगा? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल आप बात समझ सही रहे हो। अगर हमने ले लिया डी एक्स वाई, लेकिन अगर ऑर्बिटल ले लिया पीजेड, क्या ले लिया? पीजेड। डी एक्स वाई ले लिया, ऑर्बिटल ले लिया पीजेड, तो क्या होगा आपका? बनेगा जीरो ओवरलैप, जीरो ओवरलैप। अच्छा एक बात समझ लीजिए, पी एक्स वाई है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, ऑर्बिटल होगा एक्स, तो जीरो ओवरलैप होगा। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, ये पी एक्स वाई में से एक एक्सिस कट दी, बचा क्या आपका वाई? पी वाई ऑर्बिटल है, कौन सा बॉन्ड बना? पाई जी। चलिए अगर ऐसे हम बोले कि डी वाई जेड है, डी वाई जेड, ठीक है। अभी हमने लिया आई एन ने लिया वाई एक्सिस, आई एन ए क्या है? वाई एक्सिस, आई एन ए है वाई एक्सिस। डी वाई जेड लिया, देखिए पी डी वाई जेड है, आप लोगों पी वाई, आप बना के देखना, जब आप बना के देखोगे तो डी वाई जेड आई एन ए है पी वाई, तो जीरो ओवरलैप करेगा, जीरो ओवरलैप। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपका डी वाई जेड है, ये पी जेड है, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा बोल दो, कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। घबराइएगा नहीं, हम ही हैं। आइए डी वाई जेड है अगर आपका, क्या करे यार, थोड़ा थोड़ा कॉमेडी कर लेते हैं बीच बीच में, आप भी हमारे साथ करते रहिए, मस्त रहिए, चिल मारिए, घर पे रहिए, खाना पीना खाइए, आराम से पढ़िए। पी एक्स ले लें तो क्या होगा? जीरो ओवरलैप। अच्छा एक बात तो समझ लो आप, बिना बिना आपको ये समझे ये आप लिखने से रहे, समझना तो पड़ेगा इसे, क्यों बोल दो, नहीं समझना पड़ेगा तो इतने अच्छे से समझाया हूं तो थोड़ी मेहनत दिखा देना, पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और यहीं पे आपकी ओवरलैपिंग खत्म होती है। मतलब इतनी देर से हम जो ओवरलैपिंग को लेके परेशान थे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई, देखो मुझे तो समझ आ रहा है कि आधी चीजें तो आपके आने से रही, जाने से रही, लेकिन इतने इतने कॉन्सेप्ट है, इजी वे में अगर आप ऐसे समझते पकड़ते जाओगे आपको एकदम इजी समझ में आ जाएगा पहली चीज। चलिए अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। देखिए दो चीजें हैं, आपको एकदम इजी वे में आप घर बैठे हुए आराम से मस्त एकदम पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोका कि कोई आपको रोका नहीं, कोई कुछ नहीं, बिना पढ़े आपका कुछ होने वाला नहीं है। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि सिलेबस कम कर देंगे, सिलेबस कम करेंगे यार ना, तो देखो सिलेबस कम कर देंगे वो चीज ठीक है, ठीक है आप कम पढ़ के पास हो जाओ, अच्छी बात है, लेकिन ये चैप्टर्स जो है पूरा इनऑर्गेनिक इस पे कनेक्टेड है। सपोज अगर उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल कट कर दिया, क्या कर लोगे आप नाइट्रोजन फैमिली में? जब मैं वहां चिल्ला के कहूंगा कि आप पी पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, बोलोगे सर कैसे होती है बैक बॉन्डिंग? हाँ सर कैसे होती है बैक बॉन्डिंग? ओ सिलेबस में तो नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। सबसे पहले सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की करते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की बॉन्ड के, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आइए देखो एक्चुअल में एक चीज होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ध्यान देना बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। पहली बात मतलब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही अच्छा आपका क्या होगा? बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें, बात समझना, ये आपका सिग्मा बॉन्ड। अच्छा यहीं पे अगर आप पाई बॉन्ड की बात करें, देखो एक्सिस आप वही ले लो, उन्हीं ऑर्बिटल को आप पाई बॉन्ड में बना दो। सॉरी हाँ थोड़ा सा यार टेंथ में आर्ट नहीं लिया था मैंने, ये होता है
अगर हम इसमें बात करें कि ये आपका क्या है, ये आपका है सेम एक्सिस। देखो अभी जब ये ओवरलैप करेगा तो ये इस रीजन से ये डिस्टेंस आएगी। अच्छा जब इसने ओवरलैप किया है तो ये डिस्टेंस आपकी क्या रही है, ए। ठीक है, तो अब आप बताना देखिए किसमें ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही, क्योंकि यहां पे देखो जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है तो कुछ ऐसा बनता है, ये जो रीजन होता है पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। जब पाई बॉन्ड बनता है तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रीजन नहीं आता है, कुछ इस तरीके से होता है, ये बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग किसमें हो रही, ए वाले पोर्शन में। डिस्टेंस ज्यादा हो गई इसलिए इसमें उतनी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए, बी की वैल्यू मतलब डिस्टेंस ए से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिंस लेस इन बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें होगी, सिग्मा में, फिर किसमें होगी, पाई में, और यही रीजन होता है सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। अगर हम फॉर ऑर्बिटल, डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए बात करें, वन एस क्वेश्चन है, बताइएगा फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल या डिफरेंट सेल कैलकुलेट दिस वन एस, वन एस, टू एस, टू एस, थ्री एस एंड थ्री एस, तो बताना है इसमें आप कैसे करोगे। देखिए डायरेक्ट हमने एक बात यहां से एक बात और सीख लो आप, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन साइज ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, मतलब अगर साइज का ऑर्बिटल का साइज भी ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग बहुत कम हो पाएगी। इसका मतलब अगर 1s 1s है, 2s 2s है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका, फिर इसका, क्यों, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना ज्यादा मतलब ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और उतना ही बड़ा आपका ऑर्बिटल होगा। फिर देखिए अगर यही बात हम करें 2p 2p 3p 3p 4p 4p के लिए, इसमें क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग 2p 2p की ज्यादा होगी 3p 3p से, 4p 4p की क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, तो फिर क्या होगा, देखो 2p 2p क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली, हम किसकी बात करें, साइज की, साइज किसका ज्यादा होगा, बताइए साइज ज्यादा होगा 4p 4p का, इसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा अगर हम डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए बात करें, अगर हम ऐसे करें 1s 1s, ये तो आपको समझ आ रहा होगा, 1s 2s और 1s, आप बताइए किसका होगा। देखिए इस केस में भी आपका 1s 1s का ज्यादा होगा, 1s 2s का ज्यादा होगा, फिर 1s 2s का सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा ऐसे ही अगर हम 2p 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 3p एंड 2p 4p की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 2p 2p की, 3p 3p, फिर 3p 2p 4p। चलिए अब इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है इसमें फॉर डिफरेंट सेल्स। फॉर डिफरेंट सेल्स के लिए आप डायरेक्ट देखिएगा, हम आपको ऐसे से बताएंगे कि जैसे एसएस ओवरलैपिंग होगी, अगर एसएस ओवरलैपिंग होती है कुछ ऐसी होती है, ये एसएस ओवरलैपिंग है, ठीक है, एसएस ओवरलैपिंग। अच्छा अगर एसपी ओवरलैपिंग होगी और अगर पीपी होगी तो ये होगी। तो जब एसएस एसपी और पीपी ओवरलैपिंग होती है तो जो 30% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस होती है, सिर्फ 33% होती है, तो आप बताइएगा स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा पीपी की ओवरलैपिंग, जो पीपी ओवरलैप करेगा सबसे ज्यादा होगा, दैट मीन्स पीपी, फिर एसपी और फिर एसएस, किसके लिए, फॉर डिफरेंट सेल। फॉर डिफरेंट सेल अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, पीपी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शनल भी होते हैं, इसलिए क्या होता है, पीपी ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा, फिर एसपी और फिर एसएस होगी। चलिए
इसका मतलब अगर हम आपसे डिस्कशन करें कुछ इंपॉर्टेंट फोकस पर, देखो कुछ मैं नोट पॉइंट करा रहा हूं, मुझे नोट से देखना पड़ रहा है, आप उसे देख लो। इसमें पहला पॉइंट होगा सिग्मा ऑलवेज ग्रेटर देन पाई, पहली चीज सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई से क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा, फॉर डिफरेंट सेल, फॉर डिफरेंट सेल के लिए अगर हम बात करें, डिफरेंट सेल के लिए क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, हमने आपको पहले बताया फॉर डिफरेंट सेल बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन साइज, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वन अपॉन साइज के। अच्छा, अगर थर्ड की बात करें, फॉर सेम सेल, फॉर सेम सेल, सेम सेल के लिए क्या होगा, जरा देखना, सेम सेल के लिए क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर, डायरेक्शनल डायरेक्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम एक बात कर लेते हैं, कंप्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड का थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। हम किसके बीच बात कर रहे हैं, हम बात करें कंपैरिजन एंड स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको डायट बताते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप जानिएगा सबसे ज्यादा किसका होगा, रीजन आप खुद ही बता दोगे, पी पाई, पी पाई के बाद कौन होगा, पी पाई डी पाई, क्यों, देखो पी पाई उतना अच्छा इंटरेक्ट नहीं करेगा जितना अच्छा इंटरेक्ट आपका क्या करता है, पी पाई डी पाई। इसके बाद आपको पता है कौन सबसे अच्छा होगा, डी पाई है, बेस्ट इंटरेक्शन किसके बीच होता है, डी पाई के बीच। क्यों, देखो अगर आप पी पाई की बात करें तो ऐसा कुछ ओवर लेते हैं, जब पी पाई डी पाई की बात करें, देखो ये हो गया पी पाई आपका, और ये हो गया आपका सॉरी ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। अच्छा पी पाई डी पाई की बात करें, देखो कैसा होगा, जो ओवर है ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, इसकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी मानी जाती है डी पाई के केस में, इसीलिए पाई बॉन्ड के केस में डी पाई क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ में, मतलब इसमें स्ट्रेंथ सबसे अच्छी आती है। और इसके बाद अगर हम बात करें सिग्मा पाई एंड डेल्टा, अगर हम बात करें सिग्मा पाई एंड डेल्टा में, तो देखना आप हमेशा जान लेना, ठीक है, ठीक है। देखो एक बात समझो, पाई बॉन्ड समझो, पाई बॉन्ड समझो, पहले आप इसको समझने के लिए देखो एक बार मैं इरेज करता हूं फटाफट से, फिर आपको अच्छे से समझाता हूं। लास्ट कॉन्सेप्ट है, हम बात करें सिग्मा पाई एंड डेल्टा, आइए सिग्मा को भूल जाओ, क्योंकि सिग्मा तो सबसे स्ट्रांग होगा, इसका तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमको सिर्फ देखना है पाई और डेल्टा में कौन होगा। देखो चाहे आप इसको ऐसे ले लो, मैं डी का ही ले रहा हूं ना, मैं डी का ही लेके दिखा रहा हूं आपको, जिससे सबसे टफेस्ट मैं लेके दिखा रहा हूं, बाद का आप देख लेना, क्योंकि डेल्टा बॉन्ड कहां बनेगा, डी में ही तो बनेगा। देखिए पाई बॉन्ड कब बनेगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव, ये निगेटिव, और इसको देख लो, ये आपका पॉजिटिव है तो ये सॉरी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। पाई बॉन्ड तब बनेगा जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल आएंगे, मतलब इसका ये निगेटिव इससे कंबाइन करे, समझ रहे हो, बस कौन सा बॉन्ड बन गया, अब ये निगेटिव इससे इंटरेक्ट करे, कौन सा बन गया, पाई बॉन्ड। अच्छा अगर वो हम डेल्टा बॉन्ड की बात करें, जरा देखो ये देखिए ये है, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया ये, ठीक है। तो देखो जब ये पॉजिटिव मान लो है, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, मेरी मर्जी मैं चाहे जो मानू, लेकिन एक बार मानूंगा जो इसके अलाउ मानूंगा वही इसके अलाउ मानूंगा, ये निगेटिव से ओवरलैप कर जाए
ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से ओवरलैप कर जाए, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, देखिए ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से और ये नेगेटिव इस नेगेटिव से ओवरलैप कर जाए, ये कौन सा बॉन्ड होता है? ये होता है आपका डेल्टा बॉन्ड। कौन सा होता है? ये डेल्टा बॉन्ड। और ये कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ टू लोब्स ओवरलैप करे, कितने? टू लोब्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पाई बॉन्ड में कितने कर रहे हैं, टू लोब्स, टू लोब्स आर ओवर लैपिंग। इसमें है कितने आपके, वन टू थ्री फोर, फोर लोब्स। आप बताइए इसके कर रहे हैं टू लोब्स ओवरलैप, इसके कर रहे हैं फोर लोब्स ओवरलैप। आप बताइए टू लोब्स अच्छा होगा फोर लोब्स होगा? फोर लोब सिस्टम, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, दैट मींस डेल्टा बॉन्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन पाई एंड सिग्मा इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा एंड पाई। फास्ट करते हो क्या, क्या कहते हो आप? दैट मींस स्ट्रेंथ इज, आप सब बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स ऑफ साइज। ठीक है, तो आप चैनल को, चैनल मतलब ये पूरी तरह से आपका केमिकल बॉन्डिंग की ओवरलैपिंग खत्म हो गई। नेक्स्ट टाइम पे हम हाइब्रिडाइजेशन न्यू कॉन्सेप्ट से डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देखिए, और वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाइए और उसे विजिट कीजिए। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम सेफ होम।